बुलाया, सम्मान दिया, मैं बहुत आभारी हूँ। और ऐसे सामाजिक न्याय के संघर्ष की सब्जेक्ट पर हम लोगों को बुलाया तो इसके लिए और आभारी हूँ। लेकिन आने से पहले एक उम्मीद थी, एक इमेजिनेशन था, एक कल्पना थी कि हम हमारे संसद में लोकसभा और राज्यसभा के मिला करके करीब 800 सदस्य हैं और हम करीब करीब सब 400 लोग होते हैं और हमारी संख्या यहाँ पर मुझे उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन मैं अपनी संख्या को, अपनी कमी को देख करके बहुत निराश हुआ। हम सभी लोग जानते हैं, भारत के संविधान के इतिहास को जानते हैं, बाबा साहब की अग्रणी भूमिका रही संविधान के बनाने में, और उन्होंने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को जो रिजर्वेशन का अधिकार दिया, सबने उसको माना। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने बैकवर्ड के लिए, ओबीसी के अधिकार देने के रिजर्वेशन के लिए बहुत लड़ाई ली, और उस समय के जो तथाकथित बड़े लोग थे राजनेता, उनकी इस बात को नहीं माने, और यहाँ तक कि इतनी लड़ाई ली कि इसी बैकवर्ड को भी रिजर्वेशन देने के मुद्दे पर बाबा साहब ने त्याग पत्र दिया। तो इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं बाबा साहब ने केवल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन के लिए। फिर उसके बाद बहुत बड़ा गैप आया, तमाम लोगों ने संघर्ष किया बैकवर्ड ओबीसी की रिजर्वेशन के लिए। सबसे बड़ा नाम हम लोगों के सामने बीपी मंडल का आता है, माननीय चंद्रजीत यादव जी का आता है, और तमाम कर्पूरी ठाकुर का आता है, और तमाम नेताओं का आता है। लेकिन हम संघर्ष करते रहे। बड़ा दुर्भाग्य था कि स्वतंत्रता के 45 साल बाद, संविधान लागू होने के बाद, हम लोगों को ये ओबीसी को आरक्षण मिला। लेकिन मेरा एक ख्याल ये है, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, कि हमारा संघर्ष तो था, लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली थे कि 1993 में मिल गया। 1993 में जो हमको ओबीसी को आरक्षण का अधिकार मिला है, वो एक बहुत स्ट्रेटजिक, एक टैक्टिक्स के तहत मिला है, जब बीपी सिंह साहब प्रधानमंत्री थे, और इसमें मान्यवर काशीराम की और उस समय के जो हमारे बैकवर्ड के नेता थे, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, और वे एक जो संविधान का अधिकार आरक्षण का दिया गया, वो एक किसी लालच में दिया गया था। हम बहुत सौभाग्यशाली थे, हमको इतनी जल्दी मिल गया। मैं समझता हूं कि हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष उस लेवल का नहीं था, और जब